रेखा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट स्नैक्स लेकर के आए हैं। पनीर थ्रेड रोल बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। इसको जब चाहें आप फटाफट से घर में तैयार कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पनीर थ्रेड रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है पनीर 200 ग्राम, थोड़े से नूडल्स और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज में ले सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पनीर के पीसेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े पीसेस नहीं करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पीसेस एक ही साइज के एक ही बराबर काट लिए हैं। आइए हम अब सबसे पहले नूडल्स बॉईल होने रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी बॉईल होने पहले ही रख दिया था। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें नूडल्स डाल देंगे। हमें नूडल्स को तोड़ना नहीं है। जैसे जैसे नूडल्स सॉफ्ट होंगे अपने आप ये पानी में घुलते चले जाएंगे। आइए फ्रेंड्स, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे छोटे साइज का चम्मच लिया है। यहाँ मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने बनाया हुआ है, वो डाल देंगे। 1 चम्मच टमाटो केचप, 1/2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मसाला बहुत ज्यादा टाइट है, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसमें पनीर के पीसेस हैं उनको डाल करके मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे पनीर के पीसेस मसाले में बहुत अच्छे से मिल गए हैं। एक चम्मच हम कॉर्नफ्लोर पाउडर ऊपर से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने भगोने के अंदर नूडल्स एज इट इज छोड़ दिए थे, सॉफ्ट होते गए और सारे के सारे भगोने के अंदर चले गए और अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके पानी को अलग छान लेंगे। फ्रेंड्स, नूडल्स को हमने पानी से छान करके अच्छे से धो करके ठंडा कर लिया है। देखिए, एकदम अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इस तरह से हम इसमें से नूडल्स लेंगे और पनीर के पीसेस के ऊपर अच्छे से इसको लपेट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे पनीर के पीसेस को नूडल्स से अच्छे से कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारे पनीर के पीसेस के ऊपर हमने नूडल्स लपेट दिए हैं और आइए अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई में कुकिंग ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल गरम हो चुका है, आइए अब हम इसमें डीप फ्राई करना चालू करते हैं। धीरे धीरे सारे पीसेस को हम इसमें डाल देंगे।
धीरे धीरे सारे पीसेस को हम पलट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे पीसेस को पलट दिया है, अच्छे से फ्राई होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पनीर थ्रेड रोल बनके बिल्कुल तैयार है। हमने सर्व भी कर दिए हैं और मैं 100% श्योर हूँ कि आज की मेरी अमेजिंग पनीर थ्रेड रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।